हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि 3ds Max के अंदर आप ब्लूम इफेक्ट कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे आपका लाइट को ग्लो करने वाला इफेक्ट है, वो कैसे लेके आ सकते हैं, तो वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस टाइप के कंटेंट अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आप और कोर्सेज देखना चाहते हैं, लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऐप पे जा सकते हैं जो एंड्रॉयड ऐप है दीपक वर्मा के नाम से। आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कोड ODIMM आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस जहां पे आपको मिलेंगे। अपकमिंग कोर्सेज है जो हमारे ऑटोकैड प्लस रेविट, जो आपका 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और आपका ऑटोकैड 3ds मैक्स एंड वीरे आपका स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च से, जो 8 से 9 का टाइम रहेगा। और इंटीरियर डिजाइनिंग का बैच 6 स्टार्ट होने वाला है 6 मार्च से, जो टाइम रहेगा आपका 8 से 9 बजे का। ओके, तो ये और आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि हमें इस टाइप के ब्लूम इफेक्ट लेके आने हैं कि हमारे पास लाइट है, इस तरीके से ग्लो कर रही है, हमने गाड़ी की लाइट लगाई है वो ब्लूम कर रही है, या कोई भी लाइट हम लगाते हैं तो उसको ब्लूम इफेक्ट देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से ब्लूम इफेक्ट हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं इन 3ds मैक्स। ठीक है, ये वाला जो इफेक्ट है, तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार रिसेट कर लेता हूँ, ताकि अगर आपको लगे कि मैंने कोई सेटिंग की है वो आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, मैंने अपने 3ds Max को रिसेट कर लिया है, ना कोई मैंने रेंडर सेटअप किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे लाइट पे गया हूँ और वीरे पे क्लिक करके वीरे लाइट ली है, और प्लेन की जगह मैंने यहाँ पे स्फीयर लाइट ले ली है और मैंने एक स्फीयर बना दिया है। एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको ब्लूम इफेक्ट दिखाना है तो आपको लाइट ही चूज करनी पड़ेगी, ना आप वीरे लाइट मटेरियल से उसको दिखा पाओगे अच्छे से। अगर आप जैसे दिखाना चाहते हो वो इफेक्ट उस पर नहीं आएंगे। जितने भी वीरे लाइट के अंदर ये ऑप्शन है ना, स्फीयर लाइट, आपका प्लेन लाइट से दिखा सकते हो, डिस्क लाइट से दिखा सकते हो, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्फीयर लाइट की हेल्प से। मैंने एक स्फीयर लाइट ली, मैंने कोई यहाँ पे प्लेन नहीं लिया, कोई कैमरा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर पे, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मैं इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ, तो इस तरीके से आपको लाइट दिखाई देगी जो आपको ही पता है कि हाँ भाई ऐसे ही दिखने वाली है। ठीक है, अगर आपको उसके अंदर ब्लूम इफेक्ट लाना है तो आपको क्या करना है। मेरे पास है V-Ray 5 अभी के लिए, तो यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करो तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा साइड वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाके जो ये आइकन दिख रहा है इसको उठा के नीचे कर दो। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि इसको नीचे भी करना होता है, वो यहीं पे देख रहे होते हैं कोई इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली इसको नीचे कर दो और यहाँ पे मिलेगा लेंस इफेक्ट। लेंस इफेक्ट को ऑन करने से यहाँ से भी ऑन नहीं होगा, इसको क्लिक करो और यहाँ से अनेबल कर दो तो जाके अनेबल होगा, और आप देख पाओगे कि एकदम से यहाँ पे ब्लूम इफेक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके इस ब्लूम इफेक्ट में कितनी सारी चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे। ब्लूम इफेक्ट का जो अपर्चर यहाँ पे है प्रीव्यू, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब कितने चेंजेस हम करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले ओपेसिटी, ओपेसिटी कम ज्यादा आप कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से आप साइज मल्टीप्लायर को, साइज को बढ़ाओगे आपका साइज बढ़ जाएगा। ये देखो जैसे ही साइज बढ़ा तो देखो आपके 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स आ गए, जिसके अकॉर्डिंग आपका ब्लूम यहाँ पे हो रहा है। इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? एक एक चीज को आप अपने तरीके से चेंज करके देख सकते हो। अगर आपके पास V-Ray 5 और प्लस वर्जन है तो इंटरेक्टिव रेंडर करके आपका बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे चेंज कर करके देख सकते हो। अगर आपके पास लोअर वर्जन है ना, तो आपको बार बार रेंडर करके देखना पड़ेगा कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। बट इंटरेक्टिव रेंडर से बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप लाइव इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी इंटेंसिटी वगैरह पे हम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लूम 0.4 का ब्लूम है, मान लो मैंने कर दिया 2 का ब्लूम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, 1 मैक्सिमम अगर ब्लूम होगा,
यहाँ पे सिलेक्ट करो, 1 को मैक्सिमम ब्लूम करो तो ब्लूम बढ़ गया, 0.4 कर दिया, 0.4 हो गया आपका ब्लूम, ठीक है। यहाँ पे थ्रेश होल्ड है, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे इस तरीके से बढ़ रही है। अगर आपको किसी भी चीज का इफेक्ट देखना है ना कि मेरे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसकी सेटिंग करने पे, तो एक दो पॉइंट को कम करके मत देखो, एकदम से कम कर दो। मान लो 0.1 कर दिया, ठीक है, मान लो 0.1 करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चेंजेस आपको साथ के साथ दिखाई देंगे। जैसे थ्रेशोल्ड है, अब जैसे रोटेशन में दिखाता हूँ, अब मान लो 25% को रोटेशन दिया तो वो रोटेट हो गया 25%। सेचुरेशन, सेचुरेशन क्या करता है, आपकी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट और कलर करता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, 1 ही रखो, ऊपर करोगे कोई फायदा नहीं है, और उसके सेचुरेटेड हो जाएगी। 0 करोगे तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। 1 करोगे तो आपका सेचुरेटेड हो जाएगी, वैसे आप कम करोगे तो उसी तरीके से आपके कलर को वो कम करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद हार्डवेयर एसिलेशन, अगर आपके आप अपने जो ग्राफिक कार्ड है उसको यूज करना चाहते हो तो उसको यूज कर सकते हो, इसको ऑन करके अगर आपके पास है तो। कोल्ड वार्म करोगे तो वार्म इफेक्ट आएगा। इंटरेक्टिव और इसको अभी के लिए छोड़ दो, हम नीचे चलते हैं अपर्चर और शेप के लिए। अब यहाँ पे ब्लेड्स को ऑफ करोगे तो ब्लेड्स ऑफ हो जाएंगे, सिंपल आपका राउंड इफेक्ट आएगा। ब्लेड्स को ऑन करोगे तो ब्लेड इफेक्ट आएंगे, जैसे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने ब्लेड चाहिए, अभी 6 ब्लेड है, 5 करोगे 5 ब्लेड आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 5 करते हो सिलेक्ट करके या फिर कम करते हो तो आपके 5 ब्लेड हो जाएंगे, वो आपके मिक्सअप हो जाएंगे वहां पे। ब्लेड की रोटेशन कितनी चाहिए, 15 है, 25 करोगे तो वो रोटेट हो जाएगा। जो आपकी स्ट्रीक ब्लर है वो ब्लर कितना चाहिए, 0.2 है, 0.8 किया तो वो ब्लर ज्यादा बढ़ गया, 0.1 करोगे वो ब्लर कम हो जाएगा, तो आपको जो ब्लेड्स हैं वो क्लियर नजर आएंगे यहाँ पे, जो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद है पेरिफेरल ग्रेटिंग, अगर आप इसे क्लिक करोगे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम करोगे तो एक पेरिफेरल यहाँ पे देखो बन रहा है, एक राउंड यहाँ पे आ रहा है आपका। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी लेंथ कितनी चाहिए, जितनी बढ़ाओगे उतनी लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी में कि जूम कितना चाहिए, 5 है बाय डिफॉल्ट, 1 करोगे तो देखो कम हो रहा है, 2 करोगे बढ़ रहा है, एक एक पॉइंट को अगर आप कम करते हो, 3 करोगे इतना हो गया, 4 करोगे इतना हो गया, 5 करोगे इतना हो गया, 6 करोगे इतना हो गया, क्लियर है। उसके बाद स्लोप, स्लोप अगर आप करोगे, मान लो 5 कर रहे हो तो वो स्लोप यहाँ पे इसकी शेडो पे इफेक्ट पड़ रहा है। स्ट्रेंथ 5 करोगे वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर इसको बिल्कुल कम कर दोगे तो उसका कोई इफेक्ट आपको नजर ही नहीं आएगा। तो ये जितने भी इफेक्ट हैं आप एक एक करके चेक करो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई वीडियो देखने की नीड पड़े या फिर इस तरीके से आपको करने की नीड पड़े, आप एक एक करके चेक करो, आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को बहुत इजिली मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो लेंस स्क्रैचेस है, अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से लाइट का इफेक्ट आएगा, जैसे आपका जो क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट आता है, जो ग्लो ब्लू ब्लूम का इफेक्ट आता है वो इस तरीके से आएगा। सिमेट्रिक करोगे सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर आप 2 करोगे यहाँ पे 2 साइड आएगा, 3 करोगे 3 साइड आपका इफेक्ट आएगा। डेंसिटी 50 है, इफेक्ट देखना 10 करके देख लो, साइड के कम हो गए 50 कर सकते हो। लेंथ कितनी रखनी है, 50 है, 2 करके देखा लेंथ कम हो गई, 50 किया तो आपकी लेंथ इतनी हो गई, स्लोप वेरिएशन 50 किया उतनी हो गई। मतलब इसका ये मोटिव है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट कुछ देखने के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है किसी की, आप यहाँ पे जाके अपने आप ही चीजों को वैल्यूज डालो, प्राइड करो, अपने आप ही उसके इफेक्ट देखो कितना उसका इफेक्ट आ रहा है, तो अपने आप ही आप उस चीज को देख सकते हो। सीड एक एक बढ़ाओगे तो एक एक वो वहां से बढ़ रहा है, देखो ये यहां से आपको इफेक्ट अपने आप ही दिख रहा है। जूम एक एक कम करोगे या 1 करोगे अपने आप ही वहां पे दिख रहा है। रोटेशन वो उसी तरीके से आपको दिखेगी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आपको उसी तरीके से वहां पे दिखने वाली है। ऑफ कर दोगे इसको लेंस इसको तो आपका वैसे ही आ जाएगा। लेंस डस्ट, अगर आप डस्ट टाइप दिखाना चाहते हो, रैंडम करोगे रैंडम, स्क्वेयर करोगे स्क्वेयर टाइप में आएगा, और अगर हेक्सागनल करोगे तो हेक्सागनल टाइप में आएगा। इस तरीके का भी आप अपना ब्लूम इफेक्ट दिखा सकते हो अपने इसके अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूं तो आप देखोगे ये थोड़ा सा पीछे आया, और अब जैसे ही आप इसे इंटरेक्टिव रेंडर या नॉर्मल रेंडर करते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, जब आपका रेंडर यहां से नीचे से फिनिश हो जाए तभी इसका इफेक्ट आएगा, ये नहीं कि एकदम से आप देख रहे हो इफेक्ट नहीं आया आप इसे बंद कर दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक
ठीक है, तो ऐसा करके आप इसको देख सकते हो, डेंसिटी 2 की या फिर आपने 20 की या फिर आपने 50 की, उसी हिसाब से आप अपने इफेक्ट को देख सकते हो। रेडियस आपने मान लो 1 किया, तो वैल्यूज को चेंज करो, चीजों को देखो, यहाँ पे अपने आप ही आपको अपनी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेंस इफेक्ट इस तरीके से यहाँ पे काम करता है, क्लियर है? चलो, इस तरीके से आप एक लेंस के इफेक्ट को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। चलो अब एक काम करते हैं, मैं दोबारा से रिसेट करता हूं और एक बल्ब को यहां पे लेके आते हैं और उसको देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। फाइल, इंपोर्ट, मर्ज, और मैं यहां पे जाता हूं डाउनलोड्स पे, और यहां पे मिलेगा मेरे को एक लाइट बल्ब, और यहां पे मेरे को ऑल फाइल, और यहां पे मैं बैक कवर करता हूं, ये मेरा FBX पे मैंने लिया ओपन, और ओके ये मेरा एक लाइट बल्ब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब FBX में लिया है तो सारा एक ही प्रॉपर्टी में होगा। इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इससे, और मैं डिटैच कर देता हूँ ओके, ताकि मैं इसको 1 मिनट के लिए राइट क्लिक करके हाइड कर पाऊँ। ठीक है, अब मेरे पास इस टाइप का बल्ब है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इससे जो आपका लाइट में जलता है वो यही पार्ट जलता है। ठीक है, इसको भी मैं डिटैच कर दूंगा ओके। अब डिटैच क्यों कर रहा हूँ, चलो वो आपके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ये मैं अलग से चाहता हूँ। मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, बट मटेरियल पे अगर इसको लाइट मटेरियल दोगे तो ब्लूम इफेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इसके अंदर वीरे मैश। लाइट पे जाओ, वीरे, वीरे लाइट, और वीरे यहाँ पे प्लेन लिया, वीरे मैश लाइट। मैश पे क्लिक करो, क्लिक किया आपका मैश लाइट आया। प्रॉपर्टी पे जाओ और इसके वीरे लाइट की, मैश लाइट की प्रॉपर्टी पे जाके पिक मैश पे क्लिक करके मैं कर दूंगा इसको, तो ये मेरी अब लाइट बन गई। ठीक है, राइट क्लिक, और मैं कर देता हूं अनहाइड ऑल, और इसको क्लिक करके मटेरियल पे जाके मैं इसको मटेरियल लगा दूंगा ग्लास का। ये ग्लास लिया, अप्लाई, ये मेरा ग्लास बन गया। बाकी का मटेरियल को मैं कुछ नहीं छेड़ता हूँ, और ना मैंने कोई लाइट लगाई ना कुछ, और मैं सिर्फ एक वीरे प्लेन लगा देता हूँ। वीरे, वीरे प्लेन नीचे, और फ्रंट पे जाके मैं वीरे प्लेन को इसके नीचे ले आता हूँ ताकि इसके नीचे दिखे इस तरीके से। और इसको दिखाने के लिए अच्छे से मैं ले लेता हूँ एक डोम लाइट यहाँ पे रखने के लिए, और डोम लाइट की लाइट मैं कर देता हूँ 5 की इंटेंसिटी। कोई कैमरा नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, फालतू की कोई सेटिंग नहीं करने वाला। यहाँ पे गया, अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, तो आप देखो इस तरीके का इफेक्ट दिखता है। मैं क्या करता हूँ, मटीरियल, और एक मटीरियल मैं अप्लाई कर देता हूँ वीरे प्लेन के ऊपर, और प्लेन को कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ग्रेइश में, और ग्रेश करके ना इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सामने से देखता हूं, यहां पे ये मेरी लाइट आ गई। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी पे चलता हूं, अब देखो कितनी तरीके से आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, बट अभी भी क्या है कि मैश लाइट बहुत ज्यादा, क्या नाम है, डोम लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। मैं इसको 1 ही करता हूँ ताकि मैं रेंडर करूं तो लाइट इसकी कम दिखाई दे इस तरीके से, और कम करता हूँ यहाँ पे 0.5 के अकॉर्डिंग मैंने की। अब मैं सामने आता हूं यहाँ पे ताकि मैं आपको अब चीजों को अच्छे से दिखा पाऊं। यहाँ पे क्लिक किया लाइट, अब देखो ये लाइट जलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब लाइट जलती हुई नजर आ रही है, मेरे को ब्लूम इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसको नीचे करूंगा, लेंस इफेक्ट पे क्लिक किया और मैंने अनेबल कर दिया। जैसे अनेबल करूं देखो ये नीचे वाला चमकने लग गया, जिस तरीके से आपकी लाइट चमकती है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकता हूं मैं, कैसे, अपना लाइट सिलेक्ट करना है, जो आपके वीरे लाइट है मैश लाइट, इसकी इंटेंसिटी मैंने 100 कर दी। जैसे ही 100 करी, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, आपने यहाँ पे अगर देखता हूं तो आप देखोगे तो आपकी लाइट 100 चमकने, जितनी ज्यादा वहां पे लाइट करोगे उतनी ही यहाँ पे चमकने लग जाएगी। दोबारा सिलेक्ट करता हूं मैं इसे यहां से, अगर आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जाके लाइट पे क्लिक करके डायरेक्टली लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने इसको 50 किया, और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, दोबारा से इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, जैसे ही इंटरेक्टिव रेंडर होगा आपका लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लाइट जल रही है यहाँ पे, मैं मटेरियल पे जाके थोड़ा सा इसके मटेरियल को ब्लैक कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ग्लूम इफेक्ट मैं देता हूँ, साइज बढ़ा दूंगा, देखो ग्लूम कर रहा है, ऐसे ही आपकी लाइट जलती है अंदर से। ठीक है,
इंटेंसिटी कितनी चाहिए, वो इंटेंसिटी आप चूज कर सकते हो कि लाइट के अंदर से कितना बल्ब आपको जलता हुआ नजर आए, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है कि किस तरीके से कर सकते हो। तो लाइट कहीं पे भी लगाओगे तो इस तरीके से आप जलती हुई दिखा सकते हो। बाहर के पार्ट को आप मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस मटेरियल को भी अगर मैं चेंज करूं, यहां से ये ग्लास का मटेरियल या रिफ्लेक्शन अगर कम करता हूं यहाँ पे, तो वो ग्लूम इफेक्ट इतना नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मेरे को पूरा बढ़ाना है, यहाँ पे ग्लूम इफेक्ट देना है, और यहाँ पे आपको शो करना है कि आपको ये ग्लूम इफेक्ट है, तो उस तरीके से आपको चमकता हुआ नजर आएगा। ऐसे करके आप यहाँ पे जितने भी ग्लूम इफेक्ट है, ग्लूम इफेक्ट, इस तरीके के इफेक्ट, लाइट के इफेक्ट, इस तरीके से लाइट के इफेक्ट, वो आप अपने इसके अंदर दे सकते हैं। अगर आप जैसे आपकी मैश लाइट है, ठीक है, आपने मैश लाइट को सिलेक्ट किया, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने रेड कर दिया, जैसे ही रेड करोगे तो जो वो ब्लूम आएगा आपका, वो रेड कलर में आपको ब्लूम आएगा। जैसे आप रेंडर को ऑन करोगे, जैसे आपका रेंडर होगा, तो वो ब्लूम आपका रेड कलर में आएगा। इंटेंसिटी कितनी बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हो, पावर कितनी बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हो, और जितने भी ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उस तरीके का आपका ब्लूम इफेक्ट वहां पे आपको मिलने वाला है। तो ये था आज की वीडियो, कैसे आप एक ब्लूम इफेक्ट दिखा सकते हो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और आप मेरे ऐप पे जाके उसको सर्च आउट कर सकते हैं, जितने भी अपकमिंग कोर्स है, जितने भी हो चुके हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, 90% अप टू 90% के डिस्काउंट आपके इनके ऊपर आने वाले हैं। आप जाके चेक करें किस किस पे 90% है, किस पे कितना परसेंट है, वो आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।